आप देख सकते हैं मेरे पास अभी उतरी ही है माशाल्लाह। इसमें मेरे पास रेंज है तकरीबन 5 कलर्स हैं। वो देखें ये मल्टी कलर है जो मैंने आपको ग्लो इंटेकर दिखा रहा था, ये सारी हमने मिक्स करके यहाँ डाल दी। अच्छा, वो देखें ये रेयर वैरायटी आई है कैलिकोस गोल्ड फिश के अंदर। इसके आप कैप्स देख सकते हैं, ये ओरंडा कहलाती है। बेसिकली यहाँ पर जो आती है वो नॉर्मल कैलिको आती है, पांडा की वैरायटी आ गई। इसमें छोटे बड़े सब मिक्स हैं। ये कहलाती है ओरिजिनल गोल्ड पांडा। सब फिल्ट्रेशन वगैरह सब सामान वहाँ के साथ कंप्लीट में। आप जाके सिर्फ पानी भरे मछलियाँ डालें, एंजिल्स मिल जाएंगे। ये ब्लू प्लेटिनम एंजिल्स कहलाते हैं। ये जेब्रा अच्छा वहाँ पे देखिए जबरदस्त सेटअप लगा हुआ है, तो वहाँ भी चलते हैं आप लोगों के लिए। माशाल्लाह सब इम्पोर्टेड है। ठीक है भाई, इसकी सबसे बेसिक जो ये है कि इसको आप ब्लू लाइट में अगर आप लगाएंगे तो ये ग्लो करती है। फार्मिंग भी होती है, ये लाइव ब्रीडर कहलाती है। ये डायरेक्ट अंडे नहीं देती, ये डायरेक्ट बच्चे देती है। कहलाता है ब्रिज एक्वेरियम। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ब्रिज टाइप एक्वेरियम है। इसमें फिशेज आप यहाँ डालें, वो इस तरह से घूमती हुई आएंगी, यहाँ से घूमती हुई आ जाएंगी। इस वैरायटी को बोल सकता हूँ कि हर दफा शिपमेंट में ये नहीं आती। अच्छा, ये बेसिकली बहुत कम मिलती है बैंकॉक में। तो लाहौर भी बेच चुका हूँ मछली, लाहौर भी बेच चुका। बिल्कुल ठीक है। ये फ्लावर हॉर्न्स है, ये सेपरेट रखने वाली मछली है। आप इसका हॉर्न चेक करते हैं, फ्लावर हॉर्न है। बड़ी प्यारी और टेम फिश कहलाती है ये। देखिए यार जबरदस्त प्लांट हुआ है। ये सैंड का भी बनवा सकते हो आप लोग, कोई भी ग्रेबल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कि इसकी ये सुपर क्लास क्वालिटी है। कलर है जो मैंने आपको दिखाया था, ये प्लांटेड फिशेज है, प्लांट में भी रहती है। ठीक है, आइस प्लांट मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, इसमें रेयर वैरायटीज है सारी, मोंटी कार्लो है, सब बेसिक्स है। ठीक है, गप्पी ग्रास है। इसको हाथ से भी अगर बोलेंगे ना तो हाथ पे आएगी। ये बड़ी टेम फिश होती है। इतना मैं आपको, ये मेडिकेशन है इनकी, ये एच क्यूर है। जो वाइट स्पॉट आजकल जो बीमारी लगती है मछलियों को सर्दी के अंदर, उसके बैक्टीरिया की सब अल्बिनो शार्क है। इसमें जो है रेम्बो शार्क भी आती है, सिल्वर भी आती है। सिल्वर तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें आप इसकी खूबसूरती चेक करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं, खुशबाश है यार। आप लोगों ने बोला भाई एक्वेरियम फिश की वीडियोस नहीं आ रही, जल्दी से जाएं सदर फिश मार्केट में और वहाँ पे ज़बरदस्त हमें जो है ना फिश की क्वालिटीज़ दिखाएं। तो भाई होलसेल मार्केट बेसिकली ये है, आप लोगों को पहले भी पता है। तो आज जो है ना इम्पोर्टेड फिश भी है यहाँ पे, लोकल फिश भी है। अरसलान मौजूद है मेरे साथ, पहले भी इनकी वीडियोज़ आ चुकी है। कैसे अरसलान, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुना कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन कौन सी आज माशाल्लाह से मछलियाँ मंगवाई हैं और हमारे शौकीनों को क्या दिखा रहे हैं आज? बस आज इम्पोर्टेड शिपमेंट आनी थी, मैंने आपको जिस तरह बताया भी था यार, इंशाल्लाह इम्पोर्टेड शिपमेंट आ रही है, आप आ जाओ और वैरायटी सब मिलेगी आपको। इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है, सब माशाल्लाह। अच्छा, अच्छी जर्नी की बात करूं अगर एक्वेरियम फिश के हवाले से, ये बताइएगा कितनी पुरानी शॉप है आपकी और कब से माशाल्लाह से काम कर रहे हैं? होलसेल मार्केट है, देखिए ये तो होलसेल मार्केट हो तो बेहतर, सब जानते हैं। रईस भाई होबे पढ़ाई अरसलान, अल्लाह का शुक्र है, नाम से सब जानते हैं। मेन होलसेल मार्केट है। और पहले प्रॉपर ये मार्केट नहीं हुआ करती थी, पीछे झुग्गियों में काम होता था, बहुत पुराना काम था। वाली साहब थे तकरीबन 1952 में, हमारे जो दादा थे उन्होंने बुनियाद में लाया इस काम को, मतलब काफी पुरानी फिश जी तकरीबन। ठीक है, 1952 से यार। इसके अगर बेस की बात की जाए ना तो इसका बैकग्राउंड ये है। देखते हैं अभी फिशेस कौन कौन सी फिशेस आई हुई है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारे पास। देखिए फिशेस के ना गोल्ड फिश की माशाल्लाह वैरायटी है, रेयर वैरायटीज भी आई हुई है। उसके बाद जो है फ्लोरोसेंट टेट्रा आई हुई है, एंजल्स की अच्छी वैरायटीज है, शार्क है। ठीक है, इस तरीके से काफी वैरायटीज आई हुई है, 8-10 वैरायटीज। मैं ये सपोज कर लूं कि फ्रेश और सॉल्ट चल रही होती है आपके पास? सॉल्ट, देखिए सॉल्ट तो अभी असल में जो मौसम जिस हिसाब से हवाले से चल रहा है ना, अभी हम लोग सॉल्ट पे थोड़ा कम जाते हैं, तो इसलिए हम लोग फ्रेश ज्यादा मंगाते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट है, तो इस वजह से इम्पोर्ट में भी रिस्क नहीं है। अगर एज पर डिमांड कोई आपसे मंगवाता है कि यार मुझे ये चीज इम्पोर्ट करवा दें, तो वो आप करवा देते हैं? अगर उसमें टर्टल्स हो गए या सॉल्ट वाटर्स की फिशेज हो गई, इसका क्या? देखिए टर्टल्स वगैरह में तो थोड़ा सा अभी आजकल इशू चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ से बैंड हुए हैं टर्टल्स वगैरह। बाकी जो फिशेज अगर आप वो बोलेंगे, अब बेसिक हमारे पर डिपेंड करती है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी अगर नहीं आप बोल रहे हैं वहाँ से दो मछलियाँ मंगा दो तो नहीं आ सकती। ठीक है, कम से कम जो है हमारे पास जो फिश कम से कम जो आती है थैली के अंदर 50-60 पीसेस के हिसाब से आती है। ठीक, और लोकल की बात की जाए सर, आपकी खुद की प्रोडक्शन है ये? हाँ, लोकल माशाल्लाह हमारी अपनी फार्मिंग है। आओ कभी दिखाता हूँ आपको वीडियोस में। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया यार, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सर अगर बात की जाए कि सप्लाई की, वैसे तो रिटेलर्स आपके पास माशाल्लाह से भाई अभी रश लगना शुरू हो जाएगा, मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लूँ पहले। अगर कोई आपसे जो है होलसेल में लेना चाह रहा है यानी ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो कैसे बाहर तक मंगवा सकता है? आउट ऑफ कराची की बात कर रहा हूँ। देखिए आउट ऑफ कराची अगर वो मंगवा रहे हैं ना, तो देखें जो हॉबियर्स होगा तो उसमें ये होता है कि हम लोग ने थोड़े से पैकेज के हिसाब से होता है ना, मतलब जैसे कि आप अगर आपकी पैकिंग जी आप बोल रहे हैं यार एक जोड़ा भेज दो, अब जैसे वो 500 रुपए का जोड़ा तो उसकी पैकिंग ही तकरीबन 1,200-2,000 रुपए लग जाएंगे, तो उनको इसलिए महंगी पड़ती है। या तो ये होता है कि मेरे पास काफी आउटसाइडर से करते हैं, जैसे मैं कोयटा मछलियां भेजता हूँ वो हॉबीर्स है, और वो 4-5 बंदे वहाँ मिल गए कि यार वो अरसलान भाई से मछली मंगवाएंगे हम लोग मिलकर, आप इतनी कर लो, आप इतनी कर लो, आप इतनी कर लो, तो इस तरीके से क्या होता है उनको भी बेनिफिट मिलता है और उनको जो किराया होता है ना वो मुनासिब पड़ जाता है। ठीक है, मतलब तो भाई बिग होलसेलर हैं, आपको शॉप जितनी भी है ना 4-5 शॉप्स या शॉप्स के ओनर जो हो गए वो मिलके मंगवा सकते हैं इनसे, ताकि आप लोगों को ना बेनिफिट पड़ जाए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है ना वो भी डिविजन हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पैकेजिंग होती है ना असल में, तो उसमें एक मतलब ये होता है कि उसकी पैकिंग के हिसाब से फिशेज पैक होती है। अब अगर आप बोलोगे यार एक मछली दो मछली तीन मछली पैक करके और मेरे को आप जो है
सियालकोट भेज दो तो इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है भाई, कराची कोई भी अगर शौकीन देख रहा है और कराची से मंगवाना चाह रहा है, जैसे कि आपको पता होलसेल मार्केट है, तो भाई से मंगवा सकता है। सर अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है आपसे, तो आप ऐसा कोई नंबर है आपका डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकता है? जी जी, आप उस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करें, मैं आपको इंशाल्लाह आगे कार्ड भी दे दूंगा। नंबर जो है मेरा 0313 और अपना 1040806। ठीक है यार, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिटेल मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिलेगा, अगर कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है ना तो भाई इजीली पहुंच सकता है, यहां तक पहुंच भी सकता है, आपको एड्रेस पे भाई प्रॉपर लोकेशन लोकेट किया जाएगा। देखते हैं इस वीडियो में भाई क्या दिखा रहा है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इनकी फिश की वीडियोज आती रहेंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा जैसे जैसे जो है ना इनकी इम्पोर्ट शिपमेंट्स आती रहेंगी तो मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो चलते हैं देखते हैं भाई वीडियो में क्या दिखा कहेंगे आज देखने वालों को। माशाल्लाह देखिए, फ्लोरोसेंट आजकल बहुत ज्यादा इन है मार्केट के अंदर, लोग काफी पसंद करते हैं, ग्लोइंग कैटरा भी इसको कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास अभी उतरी है, माशाल्लाह इसमें मेरे पास रेंज है तकरीबन 5 कलर्स हैं। ठीक है, ठीक है ना, और इसमें आपको जो है होलसेल पे भी मिलेगी आपको, अगर क्वांटिटी में मांगते हैं। माशाल्लाह सब इम्पोर्टेड है। इसकी सबसे बेसिक जो ये है कि इसको आप ब्लू लाइट में अगर आप लगाएंगे तो ये ग्लो करती है, ये इसलिए इसको ग्लो टेट्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब ये नियॉन लाइट की बात कर रहा है, बिल्कुल ब्लू लाइट यूज करते हैं ना, तो ये देखें हाथ फिंगर पे भी आती है। अभी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, रात में शिपमेंट उतरी है, माशाल्लाह आस्ते आस्ते सेट हो जाएगी। सर इसकी प्राइस की बात की जाए तो अभी क्या चला रहे हैं इसके? देखें ये अगर पेयर लेते हैं ना आप, तो पेयर यहाँ पे चल रहा है 350 का, ठीक है ना। हाँ, और ये पहले 400 का हुआ करता था, हमने 350 की अभी ऑफर की है पेयर में, और अगर आप डजन लेंगे तो इसमें और कम हो जाएगी, आपको 1800 डजन में देंगे, 1800 डजन में हो जाएगी, 300 का पेयर से। और अगर कोई अपना बहुत ज्यादा पेयर्स लेना चाह रहा है, सेल आउट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल शॉप ओनर लेना चाह रहा है, तो उसके लिए और रीजनेबल हो जाएंगे, और रीजनेबल हो जाएंगे इसमें जो भी है, जितनी क्वांटिटी होगी उतने प्राइसेस कम होते रहेंगे, क्वांटिटी नहीं होगी प्राइस अब तो ठीक है। यार थोड़ा सा जो है ना इनकी शिपमेंट जो है ना अभी उतरी है, माशाल्लाह से फिशेज की क्वालिटीज ज्यादा है, क्वांटिटीज भी आपको मिलेंगी, तो जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करेंगे, देखते प्राइसेस भी आप लोग देखते जाएं। और क्या दिखेंगे सर बाकी इसमें? ये नेक्स्ट कलर ये आ गया आपका ऑरेंज के अंदर, माशाल्लाह इसकी काफी क्वांटिटी है, मेरे पास तकरीबन 3000 पीसेस ही आए हैं रात में इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा इसकी मुझे बताइएगा अगर कोई फार्मिंग कराना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर इसमें फार्मिंग भी होती है, ये लाइव ब्रीडर कहलाती है, ये डायरेक्ट अंडे नहीं देती, ये डायरेक्ट बच्चे देती है ये, और लोगों ने काफी यहाँ पे करवाई भी। और इसमें सबसे खासियत ये है, ये फ्लोरोसेंट टेट्रा में इन्होंने बेसिकली हार्मोन्स भी खिलाए हुए मछली को, जिसमें ग्लो करते हैं। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह जो इसकी ब्रीड हो रही है ना, तो उनके बेबीज तक में ये हार्मोन्स चले जाते हैं, वो भी ग्लो होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कि यार ये वैरायटी कोई बनाई हुई है, वो उन्होंने बेशक ये बनाई हुई वैरायटी है, इसको हार्मोन्स ऐसे खिलाए हुए, लेकिन उनकी बेबी ग्रोथ तक जाते हैं वो। ठीक है, मतलब ये मैं सपोज कर लूँ कि अगर कोई आप शिपमेंट इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि बाहर से मछलियाँ मंगवाते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, फर्क आता है थोड़ा सा फार्मिंग। देखिए फार्मिंग के अंदर थोड़ा सा जो ना आपके यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से और पानी की वजह से थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन बेसिकली ये होता है कि थोड़ा सा अगर आप सही ध्यान से फार्मिंग करेंगे ना, तो वो क्वालिटी आप पैदा कर सकते हैं जो क्वालिटी आपको बाहर से आती है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। सर इसकी बात की जाए तो क्या डजन दे रहे हैं या पेयर कितने? सेम प्राइजेस है वही, आपको जो अगर आप लेंगे 350 का पेयर है, ठीक है ना, और 1800 की डजन है, और अगर कोई दुकानदार लेना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। ठीक है यार आगे चलते हैं और भी। अच्छा इस किस्म के आइटम मैंने पहले भी आपको दिखाए थे, इनके पास एसेसरीज वगैरह रखी होती है? एसेसरीज भी होलसेल रेट पर होती है आपके पास? एसेसरीज भी माशाल्लाह सब होलसेल रेट पर ही मिलेगी आपको, क्वांटिटी भी मिलेगी और आपको रिटेल भी मिलेगी। एक्वेरियम मेरे पास पहले नहीं थे, मैंने छोटे एक्वेरियम बनाए, एज अ कस्टमर डिमांड आपके चैनल से काफी लोग आए थे, तो उन्होंने बोला मेरे को छोटे एक्वेरियम भी करा, सरन भाई हम कम शौकीन है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने छोटे एक्वेरियम बना दिए। आपको अगर आके एक्वेरियम का स्टार्ट भी लेना तो मेरे पास, तो आप 1500 से भी स्टार्ट ले सकते हो, 1500 छोटे भी छोटे से छोटे एक्वेरियम बना दिए। भाई बच्चे वगैरह शौक कर रहा है या घर में भी आपको लगाना है तो खूबसूरती के लिए लगा, देख सकते हैं आप ये पड़े हैं सब छोटे छोटे एक्वेरियम, ये सब फिल्ट्रेशन वगैरह सब सामान वाम के साथ कंप्लीट में आप जाके पानी भरे मछलियाँ डालें, यहाँ पे मैं कंप्लीट दे रहा हूँ 3000 का, इसमें पंप वम सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर ऑफिस डेकोरेशन के हिसाब से कोई चाह रहा है, उन्होंने भी आपसे कांटेक्ट किया होगा, तो उसके लिए बेहतरीन सेटअप है सर, आप लगा के लगा देते हैं? बेहतरीन है, मेरे पास बड़े सेटअप्स आ गए हैं, 2.5 फीट का भी है, 3 फीट का भी है, उसके बाद मेरे पास 2 फीट के बाहर पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं बहुत सारे एक्वेरियम्स हैं, ये बाउल्स बच्चों के लिए बाउल्स हैं, ये बच्चे कोई जिद कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब उन्होंने ये चीप रेट्स पर होती है। ठीक है भाई, 350 की आपको मिलती है, फिश डाल दें आपसे 100-150 रुपए की, बच्चे के लिए शौक के लिए तैयार हो गया। ये बीटास की मेरे पास रेयर वैरायटी होती है, ये देखिए बीटास, ये रेयर वैरायटी है ये बीटास की, ये बहुत कम आती है, लास्ट टाइम भी आपने ये दिखाई थी जी, उस टाइम पर ये कैंडी आई थी पैलेकेट्स, इस दफा आई है फुल मून गैलेक्सी है। अच्छा क्या क्या चला रहे हैं अभी इसके रेट क्या? देखिए इसमें ये है कि रिटेल तो यहाँ पे इसकी ये होगी कम से कम जो है 1200 से स्टार्ट है, 1500 तक, इसमें फिर होलसेल भी आपको मिलेगी, इसमें 750 की भी है, मतलब ये मेरे पास पूरी रेंज है, वाइड रेंज है, तकरीबन आपको समझ लो मेरे पास 350 से लेके 1500 तक का मेरे पास आपको फाइटर मिलेगा बीटा क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है भाई, ये देखें आप इन्होंने सेपरेट रखी हुई, थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हुए चले जाएगा जिसको नहीं पता कि सेपरेट क्यों रखी हुई है आपने। देखिए ये सेपरेट इसलिए रखी होती है, बेसिकली क्या होता है ये आपस में मेल टू फेल ना ये फाइट करता है। ठीक है, ठीक है ना, ये फीमेल भी इसके साथ बेसिकली फाइट करती है, उससे पहले इसका पेयरिंग करनी पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, तो यही तरीका इस तरीके से रखा हुआ, जैसे कि आपने मेल देख रहे हैं आप, इसके बाद फीमेल रखेंगे, फिर ये पेयरिंग करेगा,
फिर आप उसको बीच में से हटा सकते हैं, लेकिन मेल टू मेल ये कभी नहीं रहता, मेल टू मेल नहीं रहता, लड़ जाते हैं। मतलब अगर कोई इस तरीके से, मतलब इसी तरीके से रखेगा, कोई शौकीन रखना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा टैंक बनाया, क्योंकि बहुत से शौकीन होते हैं स्टैम्प पे, हमको रखना है 12-14 पीस, तो आपके पास ये एक तरह की थीम आ गई है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, और क्या रखेंगे सर? और आ जाए यहाँ पर, ये प्लांटेड टैंक है, ये प्लांट्स हैं, इसमें ये ज़ेब्रा डाइनियोस है, ये ठीक है, ये भी ग्लोइंग होती है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसी टाइप का कोई टैंक जो है डिजाइन करवाना चाह रहा है? हाँ, जो जो हिसाब से आपका डिजाइन होगा, आप अपने नेट पे चेक करें, आपके दिमाग में है कोई भी है, वो हमारे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह ऐसी चीज आपको मिलेगी। ये देखिए जबरदस्त प्लांट हुआ है, ये सैंड का भी बनवा सकते हो आप लोग, कोई भी ग्रेवल वगैरह भी बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं। ग्रेवल्स भी चेंज होती है, जैसे व्हाइट है, किसी को ब्लैक चाहिए, ब्राउन चाहिए। सर, कौन से फिशेस रली में इसके अंदर? अभी ये रली में ज़ेब्रा डाइनियोस। ज़ेब्रा ये कितने में चला रहा है? कोई डजन लेता है या पेयर लेता है? ये हमारे पास 650 की डजन होती है, ठीक है ना, और पेयर इसका होता है 150 रुपए। क्वांटिटी मिलेगी इसके अंदर? सारी क्वांटिटी भी हमारे पास 500-600 दाने अभी मौजूद है। ठीक है भाई, देखते जाए आप लोग व्यूअर्स, अभी जो है ना इनके पास शिपमेंट आई हुई है, तो आप लोग जैसी वीडियो डल जाए ना, कोशिश करूंगा जल्दी से वीडियो डाल दूं, ताकि आप लोग कॉन्टेक्ट के ये न्यू एक हमने एक्वेरियम बनाया, ये कहलाता है ब्रिज एक्वेरियम। ब्रिज एक्वेरियम इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर ब्रिज टाइप एक्वेरियम है, इसमें फिशेज आप यहाँ डालें, वो इस सर से घूमती हुई आएंगी, यहाँ से घूमती हुई आ जाएंगी, मतलब ये ब्रिज टैंक है, ये ब्रिज टैंक दिया हुआ, मतलब फिशेस के रहने की एक जगह भी हो गई और उनका माहौल बना दिया, एनवायरनमेंट बना दिया, कि आप लोग अच्छा एक नई चीज है, मतलब न्यू लुक एक्वेरियम है। ठीक है सर, ये कितने में टैंक कोई बनवाना चाह रहा है? अगर ये अगर बनवाना चाहता है, मैंने छोटा बनवाया है सैंपल के तौर पर, अगर लोग छोटा भी लेना चाहते तो तकरीबन जो ये अराउंड 7-8000 तैयार हो जाता है, 7-8000 रुपए में तैयार हो जाता है। अगर कोई अपने फिट के हिसाब से बनवाना, उसी हिसाब से लोकेशन देख के अगर कोई आपको बताता है कि यार इस जगह पे टैंक जो है ना मुझे बनवाना है और इस टाइप का बनवाना है, तो वो भी आप गाइड कर देंगे उसको? देखिए आपको अगर ये है कि कोई जगह पर आपको समझ में नहीं आ रहा, साइज लेना नहीं आ रहा, कुछ नहीं, वो कोई इशू नहीं है, मेरा नंबर मैं आपको दूंगा, आप ज़्यादा कॉल करें, हम विजिट करेंगे, आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, वहाँ पर आके साइज लेके वहीं पर ही आपको गाइड भी कर देंगे, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, क्या आपका माइंड है, क्या हमारा माइंड है, तो वो कोऑर्डिनेट करके इंशाल्लाह चीज आपकी बन जाएगी। ठीक है यार, ऑफिस वालों ने काफी कांटेक्ट किया था, बेंगलोर वालों ने कांटेक्ट किया था यार डेकोरेशन के हिसाब से, भाई अरसलान को जो है ना आप लोग कांटेक्ट कर सकते, प्लांट्स मिल जाएंगे, लाइव प्लांट मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, इसमें रेयर वैरायटीज है सारी, मोंटी कार्लो है, सब बेसिक्स है, ठीक है, गप्पी ग्रास है, ये लाइव है सारे ना। रेंज बता दीजिएगा कितने कितने में एसेसरीज मिल जाएगी लाइव प्लांट्स की? लाइव प्लांट्स की आपको स्टार्ट होती है तकरीबन 450 से बंच से लेकर 1200 का बंच होता है, जितनी रेयर वैरायटी होगी उस हिसाब से पेयर होगी। ये पानी में रहते हैं, मतलब पानी में खराब तो नहीं होते? नहीं नहीं, यही पानी के ना एक्वाटिक प्लांट्स हैं, पानी में ही रहते हैं और पानी में ही चलते हैं। फीड के हवाले से बात करते तो मेरे पास आपको इम्पोर्टेड फीड भी मिलेगी जो पैकिंग के अंदर आती है, ये मेरे पास एक्सट्रीम रेड मॉन्स्टर, हालांकि लोग दूसरी फीड खिला रहे हैं, फ्लावर उनकी महंगी फीड्स खिला रहे होते हैं, मेरे पास ये सस्ती फीड भी है और इसमें बेहतरीन रिजल्ट है। ठीक है सर, ये भी रीजनेबल में? हाँ, ये रीजनेबल है, पहली बात ये कि इसकी आपको आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, ये 500 ग्राम है और इसके मुनासिब प्राइस है 2000 का पैकेट है, वरना तो फ्लावर उनके समझ लें 1200-1500 के पैकेट आते हैं और 100 ग्राम होते हैं। ठीक है, उसके बाद बल्क मिल जाएगी आपको, ये ऑर्डिनरी वेजिटेरियन है, इसमें मेरे पास 1200-1400 का पर केजी है ये। अच्छा, ठीक है ना, इस तरीके से फिर ये आप देख रहे हैं, ये हैवी क्वालिटीज की है, थोड़ी हाई ग्रेड है, ब्लैक कलर में, ये होती है 1800-2000 की। अच्छा, किलो उसके अभी पैकेट्स में मिलती है फिर ये, लेकिन मैं आप जो जो हॉबियर्स हैं उनको मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप लूज खिलाएं, क्योंकि लूज में आपको मुनासिब भी पड़ेगा, रेट भी आपको मुनासिब मिलेंगे और आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी आपको। और सर, और मेडिकेशन के हवाले से जो मैं बता रहा था मैं आपको, ये मेडिकेशन है इनकी, ये एच क्यूर है, जो वाइट स्पॉट आजकल जो बीमारी लगती है मछलियों को सर्दी के अंदर, उसके बैक्टीरिया की सब मेडिकेशन मिलेंगी और लोकल मेड मेडिसिन भी है सारी, और ये ऐसा नहीं है, ये 110% रिजल्ट है। ठीक है, मतलब वो पानी वगैरह जो है ना उसमें ड्रॉप्स वगैरह सब कुछ, मतलब समझ लें आपकी स्टार्टिंग मेडिसिन से लेके और मछलियों की जैसे बोलते हैं ना एंड तक की मेडिसिन हमारे पास मिलेगी। सर, अगर कोई नया फिश जो है ना वो सेटअप करने वाला है अपना, तो उसको गाइड करते हैं प्रॉपर आप किस तरह? हाँ बिल्कुल, बेशक आप आ जाएं, जैसे कि देखें सबसे अच्छा चीज़ ये होती है जब आप कोऑर्डिनेट करें दुकान पर आके, अब बहुत से मेरे पास कस्टमर आए हैं आपके हवाले से, चैनल से भी आए, अब वो सब चीज़ें बोलते हैं यार हमारे को फोन पे समझा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 वैरायटी है। अब हम आपको ऑप्शन देते हैं, क्या ये 100 का, ये 150 का, ये 200 का, 250 का, अब मैं यहाँ पे अगर बता दूँ आपको मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस है ना, इसलिए मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। अच्छा, वहाँ पे देखिए जबरदस्त सेटअप लगा हुआ है, तो वहाँ भी चलते हैं आप लोगों के लिए, भाई रेट्स वगैरह लेते हैं फिशेस के। ये आप अगर यहाँ पर आपको सारी वैरायटीज मिलेगी, ठीक है ना, ये मेन हमारी एक्वेरियम की शॉप से, इसमें आपको देखें ये मल्टी कलर से जो मैंने आपको ग्लो इंटेकर दिखा रहा था, ये सारी हमने मिक्स करके यहाँ डाल दी है। अच्छा, ये कलर सारे अवेलेबल है यहाँ पर, हो गया। ये भी अभी आई है आपके पास शिपमेंट? जी जी, अभी शिपमेंट में आई है। सर, कितना क्या चला रहा है इसका रेट? ये वही सेम रेट है वो जो मैं आपको ग्लो इंटेकर शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर 1800 रुपए डजन है, ठीक है ना, 350 का पेयर है और शॉपकीपर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट। और जो यार आप लोग देख लें, जबरदस्त हो गया सर, थोड़ा सा ख्याल करेंगे, हमारे देखने वाला आएगा बिल्कुल इंशाल्लाह, और ख्याल किया है आपका नाम जो भी लेकर आए इंशाल्लाह वो आपको शिकायत नहीं करेगा अरसलान भाई ने हमारे साथ कोई गलत जो जो इनसे माशाल्लाह से लेके गया कांटेक्ट किया ना, तो एक कमेंट पॉजिटिव जरूर बनता है, तो कमेंट करते हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट सारे रिव्यू करता हूं भाई। और क्या दिखाएंगे सर? बाकी कैलिको देखेंगे, ये रेयर वैरायटी आई है कैलिको गोल्डफिश के अंदर,
जिसके आप कैप्स देख सकते हैं, ये ओरंडा कहलाती है। बेसिकली यहाँ पर जो आती है वो नॉर्मल कैलिको आती है, मैंने इस दफ़ा इसमें रेयर वैरायटी मंगवाई है। इसके आप फिन्स देखें और ये तकरीबन इसमें मेरे पास चार साइजेज हैं। अच्छा, 4,500 रुपये से पेयर स्टार्ट है। ठीक है, ये देखें भाई आप लोग, यार पूरा गुच्छा का गुच्छा बैठा भाई है। ठीक है, मेल फीमेल भी मिलते हैं इसमें? जी मेल फीमेल भी मिल जाएंगी, जिसको चाहिए फार्मिंग के हवाले से मेल फीमेल भी दे देंगे। ठीक है, कितने बोल रहे हैं सर आप इसके? ये 4,500 का पेयर है। ये 4,500 इसमें थ्री साइजेज है, मैं आगे दिखा दूंगा। तीन साइजेज मिल जाएंगे, आगे भाई आप लोगों को गाइड करते चले जाएंगे। ये आपको ऑस्कर्स है, ये ऑस्कर्स खिलाती है, इसमें रेड वेलवेट भी है, बड़ा साइज आया और टाइगर ऑस्कर्स भी है। ये बड़ा साइज है, दफा ये अगर हम पेयर लेंगे तो 1500 रुपये का पेयर मिल जाएगा आपको, और अगर कोई डजन लेगा तो डजन में ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, वो आपको 7,500 रुपये की डजन पड़ेंगी। 7,500 रुपये की मिल जाएगी, जबरदस्त हो गया। ये मलावीज आ गई है, ठीक है, ये येलो मलावीज हैं, उसके बाद ये वाइट मलावीज है। अच्छा, ये होती है एंटी गोल्ड्स, इनका जो शौक करने वाले हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, और जो न्यू व्यूअर्स उनको बताता चलूँ कि आम फिशेज के साथ नहीं चलती है। अच्छा, आम फिशेज, हाँ ये चलेगी आपको सारी, जैसे समझ लें थोड़ी सी लड़ाका टाइप मछली है ये। अच्छा, ये अलग रखते हैं ये। ठीक है, ये आपको मिलेगी, जैसे कि आप अगर आप डजन में लेंगे तो ये आपको मेरे पास मिलेगी 2400 रुपये दर्जन, पेयर लेंगे तो 500 का पेयर है। 500 का, और इसकी ये भी सेम रेट पे, सेम रेट की। अब ये पांडा की वैरायटी आ गई, इसमें छोटे बड़े सब मिक्स हैं। ये देखिए, ये खिलाती है ओरिजिनल गोल्ड पांडा, ये ब्लैक एंड व्हाइट जैसे आप देख रहे हैं ना कलर होता है पांडा का, इसलिए इसको पांडा कहा जाता है। इसमें भी मेरे पास 3 से 4 साइज मौजूद है, या आप जो अभी साइज देख रहे हैं इसमें 1500 का पेयर और 2000 का पेयर है। 1500 का, 2000 का। ओके, ओरिजिनल कभी ऑक्टोपस वगैरह आते हैं आपके पास? अगर वो सी वाटर के होते हैं, लेकिन सी वाटर में बेसिकली ज्यादातर इसलिए नहीं डालते ऑक्टोपस, क्योंकि ऑक्टोपस जो है वो फिशेज ही उसकी फीड है, वो फिशेज को पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसलिए कोई बच्चा वगैरह का कोई शौकीन लोग डाल देते तो डाल देते, क्योंकि उसकी बेसिक फीड यहाँ पर प्रॉपर मिलती नहीं है। ठीक है, इस वजह से लोग रखते नहीं ऑक्टोपस, इसलिए रखते नहीं है वो। ठीक है भाई, सी वाटर का होता है। ठीक है, एंजल्स मिल जाएंगे, ये ब्लू प्लेटिनम एंजल्स कहलाते हैं, ये जेब्रा और बड़ी अच्छी वैरायटी है, आपको एंजल्स के अंदर जो मिल लगेगी मिलेगी। कलर्स हैं ना हमारे एंजल्स में, मेरे पास काफी कलर आए हैं, 3-4 शेड हैं। ये जो कहलाता है आपको मैंने बताया प्लेटिनम ब्लू एंजल है, ये आपको जब डजन मिलेगा आपको जो है 9,000 रुपए, और अगर आप पेयर लेंगे तो पड़ेगा 2,000 रुपए का पेयर। 2,000 रुपए का पेयर जी, और बिग साइज है, बड़ा साइज है, बिग साइज मिल जाएगा भाई आपको। ठीक है, आगे चलते हैं यार, अभी जबरदस्त और भी वैरायटीज मौजूद है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखें उसी के अंदर ये और बड़ा साइज है, ये कहलाता है स्नो वाइट एंजल। अच्छा, हाँ ये अगर आप डजन लेंगे तो ये 12,000 की डजन है, 12,000 की, तो 2,500 रुपए का पेयर है। ठीक है सर, ये सर्वाइव कर जाती है, प्रिकॉशंस इसके लिए आप क्या लेंगे हमारे? देखिए प्रिकॉशंस जो एंजल थोड़ी सेंसिटिव मछली है, एंजल की प्रिकॉशन ये होती है कि एक तो आपका पानी पुराना हो, प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो, और इसको इतनी कोई ज़्यादा फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती कि आपने बहुत ज़्यादा एरेशन कर दिए, बहुत ज़्यादा काम मछली है, स्लो मूवमेंट मछली है, तो इसलिए एरेशन भी कम चाहिए होती है। का ट्रेड वही आ गया, आपका कलर आ गया येलो, ठीक है ना, इसमें ये आ गया रेड, ठीक है, उसके बाद में पर्पल एंड ग्रीन कलर होता है, पर्पल, ये पूरी रेयर वैरायटी इसकी जो मड़ी पड़ी है। रेट एक ही है तीनों का? अगर सबके सेम प्राइसेस है, हमारे पास होलसेल में ये होता है कि आपको क्वांटिटी मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, कलर्स मिलेंगे, लेकिन सेम प्राइस होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेड कलर आपको मिलेगा तो सब महंगा, तो ये मिक्स लेंगे प्राइस कम होंगे, कोई भी एक कलर पे आएंगे तो प्राइस अप हो जाएंगे। गोल्ड फिश है, इसमें रेड कैप है, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास सबकी वैरायटी और साइज के हिसाब से होती है पैसे। अभी मैं छोटा साइज जो आप देख रहे हैं वो आपका 1500 का पेयर है, उससे बड़ा 2000 का है, उससे बड़ा 2500 का। ठीक है जबरदस्त। इसी तरह नीचे है, इसमें भी जरा 3-4 कलर के मौजूद है। अच्छा देखें, अब ये रेड कैप मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बेसिकली मेरे को लोग कहते हैं कि यार रेड कैप साइज सेम है तो आपके प्राइस क्यों चेंज है। इसके देखें आप ऊपर कैप के ऊपर कोई जेली नहीं है। अच्छा, तो ये बी क्वालिटी रेड कैप्स कहलाती है, इनके प्राइस कम होते हैं, साइज बड़ा होता है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं 2500 का पेयर है, अब इसी में आपको रेयर वैरायटी दिखाऊंगा मैं, अब इसके कैप देखें आप। ये देखें इसका कैप चेक करें आप लोग, सही है, ये देखें ये बेटा हुआ फ्रंट देखें इसका, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है, ये देखें आप, ठीक है ना। तो ये असल में इसलिए इसके हिसाब से पैसे होते हैं क्योंकि अब ये 4,500 रुपए का पेयर है, ये इस वजह से कि इसकी ये सुपर क्लास क्वालिटी है। ठीक है, अब तो मेरे पास काफी सेल हो गए। इसके क्या बोल रहे हैं प्राइस? ये 4,500 रुपए का, 4,500 रुपए का पेयर। सर आप ब्लैक मोर का मेरे पास काफी जंबो साइज आया, ब्लैक मोर आप इसके से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका ब्लैक मोर, ये ब्लैक मोर जो आपको पड़ेगा 4,500 का पेयर। अच्छा 4,500 का रनिंग है ये भी आपका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी तकरीबन मेरे ख्याल में जितनी भी फिशेज आप लेके आ रहे हैं वो सारे रनिंग, सारी रनिंग आइटम्स है। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं मंगवाई कि यार कोई फर्स्ट टाइम आ रही है जो भी है। अच्छा, इनकी जैसी इम्पोर्ट की शिपमेंट आई है ना तो इन्होंने मुझे कॉल करके बोल दिया भाई कवर कर, बिल्कुल ना ये बचेगी भी नहीं माशाल्लाह से। अभी देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक पेयर बचा है ये वाला, ये मेरे पास रात को जो है 25 जोड़े आए थे। अच्छा, रात को ही? रात को ही माशाल्लाह, मेरे पास लोग होते हैं, मेरे पास कोऑर्डिनेट में रहते हैं जो दुकानदार है। अभी जितनी वैरायटी आपको मेरे पास से गई भी जाके मिलेगी वो बंस रोड में मिलेगी या लालू खेत में मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से वहाँ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब ये देखें नीचे ब्लैक और अंडाज है, अब इसके कलर देखें, साइज देखें माशाल्लाह, और सब हेल्दी है माशाल्लाह। हाँ, ये आपको मिलेगा 4,000 रुपए का जोड़ा, 4,000 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आप लोग देखते देखते जाएं भाई। ये ज़ेब्रा डायनियोस आ गई, इसके कलर हैं जो मैंने आपको दिखाया था, ये प्लांटेड फिशीज है, प्लांट में भी रहती है। ठीक है, ठीक है ना, ज़ेब्रा डायनियोस ये वही जो आपको मैंने बताया ना, 700 की डजन मिलेंगी, 700 रुपए की डजन मिल जाएगी। और ये आपकी आ गई टाइगर,
टाइगर देखे भाई आप लोग, टाइगर मैंने ऐसे भी लास्ट साइज है आपके पास टाइगर में? टाइगर में लास्ट साइज अभी तो मेरे पास खत्म हो गया, क्योंकि बेसिकली लास्ट साइज बड़ा कम आता है, मतलब छोटा मिल आता है लेकिन छोटा काफी ज्यादा क्वांटिटी में। अगर शिपमेंट के हवाले से बात की जाए तो अभी जैसे आपकी आई है तो मतलब कितना, एक एक महीने से आती है? देखें इसमें डिपेंड करता है कि मेरा अगर ये जैसे सेल पर डिपेंड करता है, अगर ये माल मेरा बिक जाता है माशाल्लाह से अगर एक हफ्ते के अंदर, तो आफ्टर 15 डेज में फिर दोबारा से माल मंगवाने की कोशिश कर रहा होता। अच्छा, फिर हाँ, दोबारा से डिपेंड करता है ऑन सेल, जिस हिसाब से सेल होता है। 15 डेज का मतलब तो ये है कि 21 डेज तो पानी के ऊपर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब पूरा मंथ ले जाएगा, मंथ ले जाएगा, मंथ हो जाएगा, कम से कम मंथ, क्योंकि हमें टैंक को दोबारा क्वारंटाइन करना होता है ना, इसी टैंक में हम फिशेज नहीं डाल सकते। ठीक है भाई, जो भी देख रहे हैं ना तो माशाल्लाह से सर वैसे भी नहीं बचेगा, आपने देखने वाले माशाल्लाह से शौकीन इतने हैं तो इंशाल्लाह वैसे भी नहीं बचेगा। आप लोग अपनी कोई भी डिमांड है ना वो कर दें, और पक्का प्रूफ के साथ जिसको भी चाहिए बुकिंग भी करवा सकता है तो भाई, ताकि शिपमेंट भी आप लोगों को क्लियर करवा दे। अब ये होता है कि मेरे पास जैसे फिशेज आई हुई होती है ना, किसी को पसंद आती है, वो कहती है कि यार ये आपका फिशेज वगैरह जो है हम चाहिए आपको, हमारे पास अभी ज़्यादा सेटअप नहीं तैयार हुआ हुआ है, तो हम होल्ड करते हैं। लेकिन होल्ड उस सूरत में करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पूरी पूरी मछली दो दो तीन तीन दिन के लिए होल्ड हो जाएगी, 24 आवर्स के लिए हम होल्ड कर लेते हैं, आप 50% एडवांस दे दें मछली होल्ड कर लेंगे हम आपके लिए, हम ये भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, आप लोगों को पेमेंट मेथड भी बता दिया इन्होंने किस तरीके से होल्ड हो जाती है मछलियाँ। देखिए ये आपका वही जो मैंने कैली को दिखाया था 4500 का, ये उसका छोटा साइज है, ये देखें आप इसकी, आप इसकी खूबसूरती चेक करें, कलर चेक करें, ये आपको मिलेगा 3500 का, और ये बहुत रेयर है, ये तकरीबन समझ लें ये मैं इस वैरायटी को बोल सकता हूँ कि हर दफा शिपमेंट में ये नहीं आती। अच्छा, ये बेसिकली बहुत कम मिलती है बैंकॉक में, ये मतलब समझ लें किस्मत होती है, अगर किस्मत से मिल जाए तो, इसलिए वो भी अगर मिलते तो 20 से 25 दानों से ज्यादा नहीं आती। ठीक है, अच्छा ये सेपरेट रख सकते हैं या और भी फिशेस के साथ? ये सारी गोल्ड फिश के साथ रख सकते हैं आप, जितनी भी रेड कैप, ब्लैक मोर, जितनी भी आपको ब्लैक मैंने दिखाई है पूरी फैमिलीज के साथ रहेंगी, गोल्ड फिश फैमिली है, गोल्ड फिश फैमिली है, सारी फैमिली से मतलब ठंडी गोल्ड फिश फैमिली होती है। ये ब्लैक मोर देख सकते हैं आप, ये भी इसी की गोल्ड फिश की वैरायटी है, ये आपको मिलेगा 1200 का पेयर, 1200 रुपए का पेयर मिल जाएगा ये। ठीक है, शार्क देख सकते हैं आप, ये शार्क दिखाएं भाई हमारे पास, ये अल्बाइनो शार्क है, इसमें जो है रेमबो शार्क भी आती है, सिल्वर भी आती है, सिल्वर तो मैं आपको दिखा दूंगा, रेमबो इस दफा आई नहीं है, रेमबो शॉर्ट थी। ठीक है सर, अगर लाहौर की बात करते हुए चलें तो माशाल्लाह से मैं काफी वीडियोस देख रहा था कोरियन फिशेस वगैरह की, तो वहां पे भी बिग होलसेलर्स मौजूद है आपकी तरह? बिल्कुल है, लाहौर में भी मौजूद है, लाहौर में तकरीबन 2 से 3 दुकानदार हैं जो वहाँ पे अपना शिपमेंट करते हैं, कनेक्टिविटी है इंशाल्लाह, और माशाल्लाह से उनके रेट से भी मेरे अच्छे लोगों को रेट रखते हैं वहाँ पे लाहौर पे, तो मैं लाहौर भी बेच चुका हूँ मछली, लाहौर भी बेच चुका हूँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है यार, लाहौर से कोई भी देख रहा है ना माशाल्लाह से, काफी लोगों ने कमेंट किया था, तो वो भी भाई इनसे मंगवा सकते हैं, किस तरीके से लाहौर में अगर कोई मंगवाना चाह रहा है? देखिए लाहौर में जो ना बाय एयर एयर जाती है आपकी, ठीक है, बाय एयर जाएगी, तो इसलिए उसमें आपको यही होगा, तो जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि 3-4 जो वहाँ पे हॉबियर्स मिल जाए तो वो मंगवा सकते हो, क्योंकि कम से कम पैकेज जो मछली का बनता है, कोई बाय रोड लेकर जाना चाह रहा है कुछ, वो कोई मसला नहीं है, उसको यहाँ पर आ जाए, आपको हम रीपैक करके ऐसा देंगे, वो आराम से टेंशन फ्री जाए, 18 घंटे बाद फिशेज खोले, कोई इशू नहीं है, हम उसको पैकिंग उसके हिसाब से करके देंगे। अरे बेहतरीन हो गया भाई, सारे मैंने आप लोगों के जितने भी मेथड थे आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है ना भाई से कर लिए। फ्लावर हॉर्न्स है, ये सेपरेट रखने वाली मछली है, आप इसका हॉर्न चेक करते हैं, फ्लावर हॉर्न है, बड़ी प्यारी और टेम फिश कहलाती है ये, आप इसको हाथ से भी अगर बोलेंगे ना तो हाथ पे आएगी, ये बड़ी टेम फिश होती है, इसमें साइज और क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होते हैं। अभी जो मेरे पास पड़े हुए हैं ये 7,500 रुपए का पीस है, पीस है, सिर्फ एक पेयर पड़ा हुआ आपके पास ये अभी फिलहाल जो दोनों मेल है, इसमें मेल फीमेल आती है, फीमेल असल में खूबसूरत ज्यादा नहीं होती, तो फीमेल हम ऑन डिमांड मंगवाते हैं या फिर आपको लोकल भी मिल जाती है। अगर कोई ज्यादा लेना चाह रहा है क्वांटिटी मौजूद है ये? हाँ, अगर कोई ज्यादा लेना चाहता है तो उसके हिसाब से ऑर्डर करें, इंशाल्लाह मंगवा देंगे। अच्छा, मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो यार यही सारी चीजें थी, उम्मीद करता हूँ कि भाई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो यार इसको लाइक जरूर करना है, हर किस्म के फिशेज यहाँ पे मौजूद है, आपको जो भी आपकी डिमांड है ना आप भाई से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन ये है कि अगर विजिट करें ना कराची के अंदर रहते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर बाहर के हैं और अगर मंगवाना चाह रहे हैं तो सारे जो है ना आपको मेथड बता दिए, वीडियो बैक करें, बैक करने के बाद सारी डिटेल मौजूद है, एक एक फिशेज के रेट भी लिए गए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो उसको लाइक करें भाई को और मुझे ज्यादा दे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।